अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है एंड वेलकम टू द ट्रेंडिंग वर्ल्ड चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे दिलचस्प वर्ल्ड रिकॉर्ड और स्टंट्स की मालूमात लाया हूँ जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपका मुंह खुले का खुला रह जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नियाग्रा फॉल स्टंट। साल 2012 के मिड में कनाडा में मौजूद नियाग्रा फॉल पर हज़ारों लोगों ने ज़िंदगी और मौत का एक हैरतअंगेज स्टंट देखा, जिसको देखकर कोई भी हक्का बक्का हो जाए। ये दुनिया के खतरनाक तीन स्टंट में से एक था। इस स्टंट को करने वाले का नाम निक था, जिसने नियाग्रा फॉल को एक रस्सी पर चलकर पार कर दिया। ये एक जानलेवा स्टंट था, जिस पर चलते हुए निक को तेज़ हवाओं और पानी की लहरों से बचते हुए सिर्फ एक स्टिक की मदद से पार करना था। इस स्टंट को कंप्लीट करने में निक को 26 मिनट का टाइम लगा। इस स्टंट की निक ने बाकायदा परमिशन ली थी और इसे टीवी पर लाइव दिखाया भी गया, और लाइव देखने वाले लोगों की तादाद 1 लाख से ज़्यादा थी। आइसोल स्विमिंग स्टंट। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे सरफिरे को देखा है जो बर्फ़ से जमी नदी में सुराख करके कूद जाए और बर्फ़ के नीचे तैरना शुरू कर दे? ये स्टंट भी जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ठंडे जमे हुए पानी में हाइपोथर्मिया का शिकार होकर बंदा मर भी सकता है। हर साल लाखों लोग इस स्टंट को करते हैं, और यही नहीं, ख्वातीन भी इस स्टंट्स को करती हैं और अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालती हैं। हर्बर्ट निचेस स्टंट। हर्बर्ट निचेस, जो कि एक माहिर गोताखोर हैं और उन्हें ये एजाज़ हासिल है कि ये समुंदर में सबसे ज़्यादा गहराई में गोता लगा चुके हैं। ये समुंदर की इतनी गहराई में जा चुके हैं जहाँ आज तक कोई इंसान नहीं जा सका, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। हर्बर्ट की उम्र 50 साल है और साल 2012 में ये 800 फुट से ज़्यादा गहराई में उतरे और ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जो आज तक नाकाबिले तस्खीर है। हर्बर्ट का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और पेशे के लिहाज से ये पायलट हैं। हर्बर्ट ने आज तक 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, और ये पानी में 9 मिनट तक सांस रोक सकते हैं, जो कि नाकाबिले यकीन है। डैनियल बोरस बैलून स्टंट। दोस्तों, डैनियल बोरस, जिन्होंने साल 2014 में कमाल का लर्जा खेज स्टंट करने का फैसला किया, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हेलियन गैस की मदद से 100 से ज़ायद गुब्बारों को चेयर के साथ बांध दिया, और ये बड़े गैस वाले गुब्बारे इसे कुर्सी समेत लेकर हवा में किसी परिंदे की तरह उड़ गए। ये मनाजर बहुत ही दिलचस्प थे। ये गुब्बारे इसे 4000 मीटर की बुलंदी पर ले गए। 4000 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद डैनियल ने अपनी गन की मदद से गुब्बारों को फायर करना शुरू कर दिया, और इसके बाद ये सेफ एंड साउंड पैराशूट की मदद से ज़मीन पर लैंड कर गया। इस सारे स्टंट के दौरान लगभग 20 से ज़ायद कमर्शियल फ्लाइट्स 28 साल डैनियल ने ख़तरे में डाली। इस स्टंट के बदले इसे 50 लाख रुपये का फ़ाइन भी किया गया, जबकि इसका इस स्टंट के ऊपर 25 लाख का खर्चा हुआ था। फिलिक्स जंप। फिलिक्स नामी ये शख्स एक स्काई डाइवर और बेस जंपर है। इसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से। इसने साल 2012 में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया जिसको करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। फिलिक्स ने नाकाबिले यकीन तौर पर 39 किलोमीटर की ऊंचाई से छलांग लगाकर सबको हैरान कर दिया। इस दिलचस्प मंजर को लाखों लोगों ने लाइव भी देखा। फिलिक्स का ये फ्री फॉल जंप का टाइम 4 मिनट और 20 सेकंड पर मुश्तमिल था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जब फिलिक्स ने ये रिकॉर्ड बनाया, इस वक्त उसकी एज 43 थी, और अब तक वो ऐसे काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। एलन रॉबर्ट बुर्ज खलीफा। एलन रॉबर्ट का ताल्लुक फ्रांस से है और दुनिया में स्पाइडरमैन के नाम से जाने जाते हैं। दुनिया में जितनी भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, ये इन सब पर बिना किसी हफाजती सामान के चढ़ते हैं और उनको सर करते हैं। इनके इन्हीं स्टंट्स की वजह से इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा और भारी जुर्माना भी हुआ है। मार्च 2011 में उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर, जो कि दुबई में है, जिसकी बुलंदी 828 मीटर यानी कि 2717 फीट है, पर बिना किसी हफाजती सामान के चढ़े, और 6 घंटों में उन्होंने इस बिल्डिंग को सर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। अब तक दुनिया में 150 से ज़ायद बिल्डिंग्स एलन रॉबर्ट सर कर चुके हैं, और इस वक्त इनकी एज 56 साल है। दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। न्यू वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।